सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज हम लिखा है बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में 5600। तो गाइज दिखाने जा रहे हैं आज मैनुअल सेटिंग। तो गाइज आपको सिखाने जा रहे हैं आप मैनुअल सेटिंग के बारे में, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में कैमरा है। तो गाइज आपको मैनुअल सेटिंग सिखाएंगे 800 में, और विदाउट अगर आपको SD कार्ड चलाना है तो विदाउट SD कार्ड आप कैसे चला सकते हो, और कैमरे को ऑपरेट के बारे में, मैनुअल सेटिंग के बारे में, डायल सेटिंग के बारे में आज गाइज फुल वीडियो में बने रहें और गाइज सेटिंग को जाने रहें। तो गाइज ये देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है कैमरा, निकोन का 5600 मॉडल। तो गाइज हम दिखाने जा रहे हैं इसकी मैनुअल सेटिंग के बारे में। गाइज ये हमने कैमरा ऑन कर दिया। तो गाइज ये आ गया हमारा डिस्प्ले मेन। तो गाइज ये देख सकते हो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अपर्चर शो नहीं हो रहा, F का मतलब होता है अपर्चर। तो गाइज अगर आपको ये अपर्चर नहीं हो रहा तो आप ये देखो लॉक बटन होगा यहाँ पे लेंस पे, आप इस बटन को यहाँ से आप राइट की तरफ टर्न करेंगे तो ये देख सकते हो आप ये अपर्चर शो हो जाएगा। एक तो दिक्कत गाइज ये हो गया, सही हो आपको प्रॉब्लम। और गाइज एक होता है आप डिस्प्ले से देखो ये आई का बटन दिख रहा है, आप यहाँ डिस्प्ले से सेटिंग कर सकते हो, आप डिस्प्ले से सेटिंग कर सकते हो। गाइज फर्स्ट होता है इसका, ये पहला जो होता है पहला रिंग जो होता है उसे बोलते हैं शटर। ये फर्स्ट वाले रिंग से आप ये राउंड कर सकते हो, इस वाले रिंग से आप ये करोगे तो ये शटर इसका चलेगा। ये देख सकते हो डिस्प्ले पे गाइज फुल देखो आप, आपको डिस्प्ले पर नज़र आ जाएगा कि शटर काउंट चल रहा है। उसके बाद गाइज आप उसके बाद देखोगे अपर्चर है गाइज, तो अपर्चर आपको बढ़ाने के लिए आप बटन से भी कर सकते हो। ये देखो ये वाला बटन आप दबा के रखोगे और राइट टर्न करोगे वाले रिंग को तो ये अपर्चर चेंज होगा इसका, ये अपर्चर बटन होता है। उसके बाद गाइज अगर आपको ISO बढ़ाना है तो ISO के लिए आप ये देख सकते हो यहाँ पे आई बटन आया है, आई बटन पे दबाओ और इसके ये पे लिखा है ISO, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो ISO को। 160 पे करना है, 200 पे, 250 पे, आप अपने हिसाब से कर सकते हो जहाँ पर आपको सेटिंग सही लगे। उसके बाद गाइज आओगे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे बटन हैं। अब ये कैमरा हम गाइज ये जो भी सेटिंग गाइज आप चेंज कर सकते हो ये सिर्फ मैनुअल सेटिंग पे हो सकता है। ये देखो गाइज ये डिस्प्ले आप डायल देखोगे तो ये M पे लगाए तो M पे गाइज देखोगे पूरी सेटिंग चेंज हो जाएगी, आप अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद गाइज होता है इफ़ेक्ट मोड, ये देख सकते हो गाइज इफ़ेक्ट मोड में गाइज हर सब कुछ चेंज नहीं होता, बस कुछ कुछ सेटिंग जो होती है चेंज होती है। जैसे आई का बटन दबाओगे इसमें यहाँ पे आपका ISO चेंज हो जाएगा, शटर फोटो की वो चेंज हो जाएगी, आपको ग्रुप में खींचना है सिंगल में खींचना है, या आपका शटर स्पीड होता है जैसे ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, मैनुअल फोकस भी कर सकते हो यहाँ से आप बॉडी को। उसके बाद आप यहाँ पे आप लार्ज फाइल में कर सकते हो, स्मॉल में कर सकते हो। उसके बाद गाइज देख सकते हो यहाँ पे बस ये आप ISO चेंज कर सकते हो, इसका ISO गाइज ऑटो पे रहेगा। उसके बाद ये गाइज है फ्लैश ऑफ मोड, तो गाइज देख सकते हो ये बनाया हुआ है फ्लैश का मोड बटा हुआ है, तो इसमें आप ये फ्लैश फायर नहीं करेगी, बाकी आप सेटिंग चेंज करोगे सेटिंग चेंज हो जाएगी। इसमें आप ज़्यादा सेटिंग नहीं कर सकते, बस कुछ ही सेटिंग चेंज कर सकते हो, बाकी आप सब कुछ अगर आपको चेंज करके चलाना है आप अपने हिसाब से कैमरे को ऑपरेट करोगे तो मैनुअल मोड पर आप कैमरे को अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, अपने हिसाब से कैमरा हर जगह चला सकते हो, हर एंगल पर चला सकते हो। उसके बाद गाइज आता है आपका ऑटो मोड, तो ये ऑटो मोड होता है गाइज। ऑटो मोड में क्या होता है कैमरा ऑटोमेटिक अपने आप ऑपरेट होता है, अपने आप सेटिंग इसमें आप कैमरा अपने आप चेंज करके देता है, आपको कुछ नहीं करना होता, बस कैमरा अपने आप यहाँ से क्लिक बटन चलाना होता है, अपने आप अगर जहाँ फ्लैश की ज़रूरत होगी वहाँ ही अपने आप उठ जाएगा। उसके बाद गाइज अगर आप चलाओगे रिकॉर्डिंग करना है तो ये LV का बटन दबा हुआ है, आई से पीछे की तरफ करोगे तो ये डिस्प्ले आ जाएगा। अब इसमें गाइज कुछ सेटिंग करनी नहीं है, आपको ये वाला बटन दबाना है, ये रेड बटन दिख रहा है, अब ये वाला बटन दबाओगे रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज हमने यहाँ पे मेमोरी कार्ड अभी नहीं लगाया, यहाँ देखो ई शो हो रहा है, यहाँ मेमोरी कार्ड नहीं लगा हुआ तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद गाइज मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद गाइज आएगा इसमें सीन मोड, तो गाइज ये देख सकते हो डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगा सीन मोड, ये लेफ्ट में आ रहा है, ये देखो हमने किया यहाँ पे, देखो पहले था ऑटो मोड पे तो यहाँ डिस्प्ले पे ऑटो लिखा रहा था, अब हमने किया सीन मोड तो यहाँ डिस्प्ले पे सीन मोड आ गया, ये देख सकते हो सीन मोड। सीन मोड में भी गाइज आप कुछ कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हो, साइड सेटिंग नहीं चेंज कर सकते, कुछ कुछ ही सेटिंग होती है इनमें चेंज, बाकी आप मैनुअल पे ही सेट अगर आपको चलाना है अच्छे से तो आप मैनुअल पे ऑपरेट कर सकते हो कैमरे को। डिस्प्ले पे M मोड है तो आप इसी से अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो। अब इसमें यहाँ देखोगे आप ये देखो, अब यहाँ से आप ये सीन मोड में
हमने सीन मोड में गए, यहाँ से आप सीन चेंज कर सकते हो, ब्लूम हो गया, बहुत सारे मोड है गाइज, अपने हिसाब से आप चला सकते हो। फूड के लिए बहुत सारे मोड है, आप किसी भी चला सकते हो, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, बहुत सारे मोड है, आप किसी भी चला सकते हो, देख सकते हो। ये सारे मोड हमारे इसमें आएंगे सीन मोड में, ये देख सकते हो यहाँ डिस्प्ले पे सीन मोड लगा है, ठीक है, डायल पे। उसके बाद गाइज आएगा हमारा, फिर से रिटर्न आ गया, उसके बाद आएगा हमारा गाइज प्री से प्रोग्राम मोड। ये जो बोलते हैं भाई ये पी क्या मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है गाइज प्रोग्राम। प्रोग्राम में गाइज देख सकते हो यहाँ पे भी सब कुछ, सारी सेटिंग चेंज नहीं होती, कुछ कुछ होती है। अब इसमें शटर अपर्चर ISO गेम होता है मेन। अभी देखो इसमें आप कुछ कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हो, सारी सेटिंग नहीं चेंज कर सकते। ये देखो हम अपर, ये शटर बटन है, शटर रिंग है, इससे घुमाएंगे शटर चेंज नहीं होगा। अपर्चर का बटन दबाएंगे, अपर्चर भी चेंज करेंगे तो अपर्चर नहीं होगा, खाली एक्सप्लोर चेंज होगा। ये फ़ोटो क्वालिटी भी होता है, ये फ़ोटो में थोड़ी लाइट ब्राइटनेस बढ़ जाती है, ये एक्सप्लोर का है। उसके बाद गाइज हम दिखाने वाले हैं आपको एज फॉर शटर मोड, इसमें आपका होगा शटर स्पीड चेंज होगी, ये दिखा सकते हैं आपको, ये देखो ये आप चेंज करोगे तो यहाँ से शटर चेंज होगा एस, यहाँ देखो डायल पे एस लगा हुआ है तो यहाँ से शटर चेंज होगा। ये देखो मैं यहाँ से रिंग को मूव करूँगा तो यहाँ से ये शटर स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद गाइज हम लगाएंगे ए पे, ये देखो अपर्चर मोड आ गया, इसमें सिर्फ आप ओनली अपर्चर मूव कर सकते हो। ये देखो आप ये रिंग को रोटेट करोगे तो ये अपर्चर चेंज हो जाएगा। देखो पिछले वाले में क्या था, एस पे था तो हमारा सिर्फ शटर चल रहा था, अब हमने ए पे किया है तो ये हम रिंग चलाएंगे तो हम बस ये अपर्चर ही मूव कर सकते हैं, बस शटर नहीं कर सकते। तो ये हर मोड में अलग अलग होता गाइज। तो ये देख सकते हो हमने दोबारा कर दिया एम पे, तो एम में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग लगा सकते हो इसमें, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, जो भी आपको चेंज करना है आप कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से लगा सकते हो, घटा सकते हो, कहीं भी बढ़ा सकते हो। तो गाइज और भी बटन के बारे में आपको बता देंगे, ये गाइज इसका अपर्चर बटन ने आपको बता ही दिया, ये आपका गाइज ये होता है, ये वाला बटन होता है, ये लाइव मोड में फोकस को लॉक करने के लिए होता है। जैसे हम किसी को फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये जो बना हुआ है बटन, ये लिखा हुआ है AEL, मतलब ऑटो फोकस को आप लॉक कर सकते हो। अगर आप मूव नहीं कर रहे, आपने फोकस यहाँ कर लिया, आप ये बटन दबा कर होगा तो फोकस लॉक हो जाएगा। अब दोबारा उसी जगह पे जाके अगर ये आप बटन छोड़ते हो तो फोकस वहीं का वहीं रहेगा। उसके बाद गाइज ये वाला बटन है, आई का बटन है, आपको बता ही दिया, आप ये आई का बटन दबाओगे तो डिस्प्ले फंक्शन आ जाएगा, आप ये सेटिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद गाइज ये है इन्फो का बटन है, आप ये इन्फो देख सकते हो डिस्प्ले पे, जो फीचर आ रहे हैं देख सकते हो, हाइड भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, ला भी सकते हो, ये ग्रिड लाइन भी लगा सकते हो, ये इन्फो के बटन से होगा। ये जो गाइज ये रिंग होता है ये आई साइड के लिए होता है, जैसे जो पावर के गॉगल्स पहनते हैं, जो नहीं पहनते तो उन्हें माइनस में चलाना होता है, और जो पहनते हैं यूज़ करते हैं उन्हें प्लस में चलाना होता है। ये आप यहाँ से मूव कर सकते हो, ये देखो यहाँ से आपका मूव हो जाएगा, आप करोगे इसको हो जाएगा आराम से, बहुत सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। उसके बाद गाइज जो होता है ये वाला बटन होता है, तो गाइज ये होता है फ़ोटो देखने के लिए, जो आपने अभी फ़ोटो क्लिक की आप उसे देखने के लिए कौन सा बटन दबाओगे, ये वाला बटन दबाओगे तो गाइज ये आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हो। उसके बाद गाइज आप ये डायल बटन है, ये आप डाउन राइट लेफ्ट, ये ओके बटन है, और अब ये जो देख सकते हो यहाँ से फोटो जूम इन जूम आउट, और ये डिलीट का बटन है। तो गाइज उसके बाद है ये है मेन्यू बटन, ये पूरी कैमरे की मेन सेटिंग का बटन होता है, मेन्यू बटन जिसे बोलते हैं। अब ये देखो मेन्यू बटन दबाओगे तो आप इंटरनल सेटिंग में चले जाओगे कैमरे के, यहाँ से कैमरे में कोई भी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। और गाइज सबसे मेन बात जो भाई बता रहे थे, बिना मेमोरी कार्ड के डेमो फोटो क्लिक नहीं होती, उसके लिए सेटिंग में जाना होता है, मेन्यू में जाओ, मेन्यू में जाने के बाद गाइज देख सकते हो यहाँ पे लिखा है स्लोट एम्प्टी रिलीज ओके बटन, यहाँ देखो ये की में जाओ आप, सबसे एंड में जाने के बाद थोड़ा ऊपर जाओगे आप, यहाँ दिख जाएगा आपको स्लोट एम्प्टी रिलीज ओके रिलीज लॉक, इसमें ओके करो। इसे मेरा इनेबल है तो मतलब अभी क्लिक कर रहा है, बिना मेमोरी कार्ड के मेरा फ़ोटो क्लिक कर रहा है, अगर ये लॉक पे रहेगा तो ये फ़ोटो क्लिक नहीं करेगा, ये देख सकते हो यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ नो मेमोरी कार्ड इंसर्टेड, मतलब इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है, अभी क्लिक करते रहो ये क्लिक नहीं होगा। अब ये दोबारा मेन्यू में जाओ और ये स्लॉट एम्प्टी रिलीज लॉक,
इस पर करके इनेबल कर दो आप, ये आपका डेमो में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप क्लिक कर सकते हो डेमो में, देखो डेमो लिखा आ जाएगा। तो गाइस इस तरह आप चैनल पे बने रहो, गाइस लाइक करो, फॉलो एंड आफ्टर सब्सक्राइब करो, और गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड लाइक करो।